तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पर हमारे पास आ गया है वन प्लस नोट सी ई, जो कि एक 5G डिवाइस है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम वन प्लस नोट सी ई में पबजी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें वाइड डिफॉल्ट क्या ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस डिवाइस की तरफ एक नज़र डाल के देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में क्या स्पेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें हमें 6.43 इंचेस की पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो अगर मैं बात करूँ इसके कैमरा की, तो इसमें हमें पीछे की तरफ जो कैमरा मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ सेल्फ़ी कैमरा की, तो इसमें हमें आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, तो इसमें हमें 4500mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 30 वाट के वार्प चार्ज को सपोर्ट करता है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जात से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। साथ ही गाइस, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना, इससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस डिवाइस में ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहाँ जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्मूथ में हमें अल्ट्रा की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि स्मूथ में हमें 40fps देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप कि रेगुलर अपडेट के साथ हमें इसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिल जाए, बट फिलहाल इसमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा की ऑप्शन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले स्मूथ प्लस अल्ट्रा में एक कलरफुल मैच स्टार्ट करके देखते हैं कि हमें इसमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। हमें इसमें कोई लैग इशू या कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं।